काशी दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट कार्ड भी लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत उत्तर प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। ये बैठक वाराणसी के ऑफिसर गेस्ट हाउस में हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, सभी सह प्रभारी, संगठन के नेता, वाराणसी बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनी और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तो आज काशी में बीजेपी की ये बड़ी बैठक चल रही है, चुनाव पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो ऐसे में आज काशी में ये आपको बता दें बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है, साथ ही चुनाव को लेकर तो मंथन ही किया जा रहा है, लेकिन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में ले रहे हैं। आपको बता दें इस रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्रियों को ये बताना है कि क्या उन्होंने अभी तक काम किया और उनके राज्य में किस बड़ी योजना पर वो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखनी है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम बैठक इसे माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी उत्तर प्रदेश में अब नज़दीक हैं, लेकिन जिस तरह से 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो यूपी से आपको बता दें ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, बीते कई घंटे हो गए हैं, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ये बैठक काशी में अभी तक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर, किस किस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है? पारुल, देखिए अभी भी बैठक चल रही है और भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, खास तौर से जितने भी राज्यों से आए हुए हैं, उन लोगों के साथ अभी तक लगातार बैठक जारी है और कहा यही जा रहा है कि गुरुवार को अयोध्या दौरा भी माना जा रहा है और जिसमें भाजपा के जितने भी शासित राज्य के जितने मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे वो लोग शामिल होंगे। तो अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया है इस बात को लेकर कि आखिरकार ये बैठक इतनी लगातार चल रही है, कोई बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि इन बैठक का मुद्दा क्या है और ऐसे में पहले से बयान करना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद, इंतजार के बाद पता लग ही जाएगा कि ये जो लगातार बैठक चल रही थी, खासतौर से जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का कि वजह क्या है लेट होना और लगातार जो बैठक है वो अब अयोध्या के तरफ भी किया जाएगा। तो पारुल, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि चुनावी विसात पूरी तरीके से बीत चुकी है और अब तैयारियां बिल्कुल खासतौर से यही माना जा रहा है कि 22 को लेकर ही की जा रही है, क्योंकि ऐसे में प्रधानमंत्री मौजूद है और उनकी गाइडलाइन में मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं कुछ मंथन जरूर किया जाएगा और इसमें जरूर कुछ अमृत ऐसा पिलाया जाएगा जिसमें 22 को तैयारी को लेकर खासतौर से कहा जाएगा कि ऐसे में जो समय है कम है और आप लोग अपने राज्यों में जुट जाइए। इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि बैठक खत्म हो और उसके बाद इस बात पर क्लियर हो सके कि आखिरकार बैठक में निकल के क्या आया। बिल्कुल रूबी, लेकिन देखिए ये बड़ी बैठक बीजेपी की काशी में हो रही है, विपक्ष में भी साफ तौर पर बौखलाहट देखी जा रही है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने अभी ये कहा है कि बीजेपी जो है वो डराने की और धमकाने की कोशिश जो है करती है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो हो रही है और जिस तरह से संसद में भी देखा गया था कि विपक्ष ने हंगामा किया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है, मजबूत होकर सामने आ रही है, तो विपक्ष को साफ तौर पर बौखलाहट विपक्ष की देखी जा सकती है। बिल्कुल बारो कह सकते हैं, बौखलाहट जरूर देखने को मिली, क्योंकि मैं बता दूं कि अभी 15 और 17 तारीख को लखनऊ में शीतकालीन सत्र भी स्टार्ट होने वाला है और जिसमें अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और उसमें उस बैठक में सर्वदलीय बैठक होती है, फिर उसके बाद उस बैठक के बाद विधानसभा की कार्रवाई की जाती है। तो समय बहुत कम है, खासतौर से बीजेपी बिल्कुल अपनी कमर कस चुकी है और ये माना जा रहा है कि विपक्ष की हर एक उन बातों को लेकर तोड़ जवाब तैयारी कर रही है और ऐसे में समय के विपरीत ना जाके, यानी कि अपनी जो चाल है उसको चलने के लिए पूरी तरीके से कवायद से इसी बात को लेकर हो रही है कि
कोई भी बैठक ऐसी हो उसमें सभी लोग पहुंचे। खासतौर से इस बात को लेकर गाइडलाइन भी तैयार किया गया था कि अगर बीजेपी की कहीं से भी कोई बैठक की जा रही है उन सभी में सारे जितने भी विधायक हैं और जितने भी इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग शामिल जरूर हों। और ऐसे में 12 मुख्यमंत्रियों का इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ बैठक करना, फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र का स्टार्ट होना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विपक्ष के लिए मौका जरूर होगा। खासतौर से जब विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरुआत की जाएगी और ऐसे में विपक्ष एक बार फिर हमला बोलते जरूर नजर आएगी। पहले की अगर आप बात करते हैं तो पहले में कोरोना को लेकर काफी विपक्ष ने सरकार को घेरा था, अब ओमिक्रॉन को लेकर भी बहस हो सकती है और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अब ये माना जा रहा है कि विपक्ष के लिए कम समय बचा हुआ है और सरकार की जितनी भी अनगिनत जो जो अधूरे काम है उनको जरूर गिनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर खासतौर से विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों के लिए एक मौका जरूर मिल रहा है और ये मौका कोई नहीं गंवाना चाहता है। जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काशी में बीजेपी की ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें आपको बता दें बीते 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस बैठक को चलते हुए। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और सभी मुख्यमंत्री अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई कई धाराओं को भी बदल दिया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है। ऐसे में लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदल दी गई हैं और सभी आरोपियों पर जानबूझ कर प्लानिंग करने के अपराध करने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि इसी साल 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद थे और साथ ही घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए थे। मोड़ आ गया है। दरअसल किसानों ने आरोप लगाया था 3 अक्टूबर के बाद से कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई थी और हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यानी कि जिस लखीमपुर खीरी को लेकर इतना बवाल पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था अब उस मामले में आशीष मिश्रा सहित 14 लोगों पर हत्या का केस चलाया जाएगा। चमोली के विकास खंड जोशीमठ के सीमांत रैणी घाटी क्षेत्र में 7 फरवरी को आई भीषण आपदा में रैणी गांव के पास बना पुल टूट गया था जिसके बाद आज 10 महीने बीत गए फिर भी ये पुल नहीं बन पाया है जिससे ग्रामीणों को ट्रॉली और रस्सी के सहारे से आवाजाही करना पड़ रहा है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही पुल न बनवाए जाने पर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से 10 महीने बाद भी निर्माण पुल का नहीं हो पाया है और ग्रामीणों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो वार्ड में जो 7 फरवरी को आपदा आया है, आपदा आया उस टाइम से अभी कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ, पुल बह चुका था। अभी हमें ट्रॉली का निर्माण करना पड़ रहा है, ट्रॉली में चलना पड़ रहा है और ट्रॉली वाले भी नहीं हैं वक्त पर। ट्रॉली वाले ईडीएम को भी कागज लिखा था, ईडीएम ने भी पीडब्ल्यू को दिया कागज, गोपेश्वर डीएम कोर्ट के डीएम के पास कागज दिया। हमारा व्यवस्था करेगा, पुल का निर्माण करेगा, कब तक हमारे शादी विवाह में
कब तक हम ट्रॉली में खींचेंगे, कब तक करेंगे हम व्यवस्था? शादी ब्याह पुल का निर्माण होने से जगह जगह से लोग आएंगे। तो नैनीताल में कांग्रेस ने बैठक आयोजित की, जिसमें देहरादून राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की रणनीति तय की गई है। इसी कड़ी में नैनीताल की पूर्व विधायक और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी की जनसभा देहरादून में होनी है, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी विधानसभा से लगभग हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है और इसी कड़ी में नैनीताल विधानसभा से लगभग 1000 कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए विधायक संजीव आर्य और ने कहा है कि राहुल गांधी का उत्तराखंड से अटूट प्रेम है, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 16 दिसंबर अब दूर नहीं है जब उत्तराखंड में राहुल गांधी पहुंचेंगे। युवाओं को है, चाहे किसानों को है, कि हम महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर खरा नहीं उतरी। युवाओं को भी ना रोज़गार नहीं मिला, ना जनता की ही सुख ली। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए 16 तारीख को जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पर विजय पाई थी, तो हम आज सैनिक सम्मान के रूप में 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की रैली है देहरादून में, उसको सैनिक सम्मान के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसी रैली से हम लोगों का आने वाला 2022 का आगाज भी होगा। और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता के जितने भी वादे हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा किए गए हैं, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता उसी को लेकर जाएगी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम सभी जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग के बीच में 2022 के चुनाव में हम लोग जाएंगे। नैनीताल से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, राहुल गांधी की रैली को लेकर किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही हैं? हाँ पार्ले, आप बता रहे हैं, नैनीताल में कल कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें देहरादून राहुल गांधी की क्या कहते हैं वो रैली होनी, उसको सफल बनाने की रणनीति यहाँ पर तय की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक सरिता आर्य व महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है सरिता आर्य, उन्हें ये बताया था कि क्या कहते कम से कम नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से 1000 लोग रैली में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार ललित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंच सके। लगातार अपील की जा रही है, अगर नैनीताल की बात की जाए तो वहां से कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे रैली में? हमें बता रहे कम से कम 1000 लोगों की संख्या बता रखी है कि हम लोग मतलब नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 1000 लोग यहाँ पे पहुंचेंगे करके देहरादून पे। जी जी चलिए ठीक है ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली की तैयारियां जो हैं चल रही हैं। नैनीताल में कांग्रेस से 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें लगातार कांग्रेस रणनीति बनाती हुई तैयारियां करती हुई भी नजर आ रही है। 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र के 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है। इससे 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 3 सामरिक राजमार्गों को डबल लेन करने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर गुजारिश की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर लगा दी है। आपको बता दें ये हाईवे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और इससे चीनी सीमा तक पहुंचने में भी सेना को आसानी होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस SK सिकरी करेंगे। परियोजना में पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर काम को समिति इसका ध्यान रखेगी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार
को परियोजना के एक हिस्से के रूप में 10 मीटर चौड़ाई की सभी मौसम सड़कों के निर्माण की अनुमति भी दे दी है। इसमें केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे में चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है।